तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक ऑफिशियल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉलिंग और इंटरनेट की। जी हाँ, आपका 1 अप्रैल 2021 से कॉलिंग और नेट चलाना महंगा हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा मोबाइल पर बात और इंटरनेट इस्तेमाल करना। मोबाइल से बात करना और उस पर इंटरनेट इस्तेमाल करना जल्द और महंगा होने वाला है। टेलीकॉम कंपनियां इस साल 1 अप्रैल से दरों में वृद्धि करने की तैयारी में हैं, साथ ही उसके आगे भी दरों में वृद्धि जारी रह सकती है। कोरोना संकट और खासकर लॉकडाउन में जहाँ अन्य क्षेत्रों की मुश्किलें बढ़ी, वहीं टेलीकॉम कंपनियों के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर यानी प्रति ग्राहक औसत राजस्व में सुधार हुआ है। हालांकि कंपनियों के बढ़ते खर्च को देखते हुए यह बहुत नहीं है। ऐसे में कंपनियां मोबाइल दरों को बढ़ाकर उसकी भरपाई करने की तैयारी में हैं। आप सबको पता ही होगा कि पिछले साल भी जितने भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उन्होंने अपनी दरों में इजाफा किया था और आगे भी हो सकता है, ये सुनने में आया है। तो आज हम बात करें कि कुल AGR का बकाया 1,69,000 करोड़ रुपए है। वहीं अभी तक सिर्फ 15 टेलीकॉम कंपनियों ने सिर्फ 30,254 करोड़ रुपए ही चुकाए हैं। बात करें अपने भारतीय एयरटेल की तो एयरटेल पर करीब 25,976 करोड़ रुपए, वहीं वोडाफोन आइडिया पर 50,399 करोड़ रुपए और टाटा टेली सर्विसेज पर करीब 16,798 करोड़ रुपए का बकाया है। कंपनियों को 10% राशि चालू वित्त वर्ष में और शेष बकाया राशि आगे वर्षों में चुकानी है। इकरा की रिपोर्ट के मुताबिक दरों में बढ़ोतरी और ग्राहकों का 2G से 4G में अपग्रेडेशन की वजह से भी प्रति ग्राहक औसत राजस्व में सुधार हो सकता है। और मध्यम अवधि में बात करें तो यह करीब 220 रुपये हो सकता है, जिससे अगले 2 साल में टेलीकॉम का राजस्व 11% से 13% तक बढ़ जाएगा, जबकि उसके बाद ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 38% बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों के नगद प्रवाह में सुधार हुआ है। इसके अलावा पूंजीगत खर्चों में भी कमी, नियमित कामकाज के लिए बाहरी कर्ज की आवश्यकता कम भी होगी। एड स्टेज ग्रॉस रेवेन्यू देनदारियों के साथ कर्ज और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के चलते टेलीकॉम कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में कंपनियां इनका बोझ अपने ग्राहकों पर डाल सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और जो भी हमारे फ्रेंड्स नए हैं चैनल पे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी नई नई न्यूज और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।